आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्या है, यूज फॉल्स पोजीशन मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो बिटवीन 1.75 एंड 2.5। ठीक है, फंक्शन दे विच आपने पहला वैल्यू पुट की थी 1.75, अपने को वैल्यू नहीं आई जो कि लेस देन जीरो। बी दे विच पुट की थी किन्नी, बी दी वैल्यू किन्नी सी 2.5, इन्हें पुट किते कि अगे ग्रेटर देन जीरो, अपने को ए दी वैल्यू नहीं आ गई, बी दी वैल्यू नहीं आ गई। हुन आप अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, एक्स वन अपने को फॉर्मूला है, उन्हें इस वैल्यूज पुट की थी फंक्शन की, अपने को एक्स वन की वैल्यू मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट अन्नी आ गई। आपने की करना सी फोर्स में, ठीक है, इसी रूट्स फाइंड करने हैं, मैं तो उदों तक करांगे जदों पॉइंट तो बाद वाले दो तीन डेसिमल्स प्लेसिस की नहीं आंदी है, सेम नहीं आंदी है। सेकंड आपने फिर की किया, फंक्शन की वैल्यू फंक्शन पुट किया लेस देन जीरो आ गया, तो आप अप्रोक्सीमेशन रूट ए की वैल्यू हूं अन्नी ले लेंगे, बी की वैल्यू अन्नी ले लेंगे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन रूट लाया, मेरे को वैल्यू की आ गई अन्नी आ गई, तो फंक्शन पुट की है, फिर उसी हिसाब न आप ए ते बी फेर के द्वार तो चेंज कर देंगे। एक्स थ्री फाइंड की हूँ मेरे को की आ गई अन्नी आ गई, फिर दैन मैंने की लाया फोर्थ अप्रोक्सीमेशन रूट। हूँ देखो जो मैंने फोर्थ अप्रोक्सीमेशन रूट लगाया उस वक्त जेडी मेरे को थर्ड अप्रोक्सीमेशन रूट आई सी उसके बाद पॉइंट तो बाद टू डेसिमल प्लेसिस की आ गई सेम आ गए। अपन क्वेश्चन के विच कीते नहीं कहा हुआ, इन्होंने कहा यूज फॉल्स पोजिशन मैटर टू फाइंड द रूट ऑफ दिस बिटवीन दिस एंड दिस। हूँ जब अपने को पॉइंट तो बाद टू डेसिमल प्लेसिस की ने सेम आ गया, दैन आप उरे की कर देंगे स्टॉप, अपने को आ जाऊगा आंसर ये कि अपने को एक्स इज इक्वल टू 2.09 की है रिक्वायर्ड आंसर, इस इक्वेशन का रिक्वायर्ड की है रूट है। ठीक है,